इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर 3 है लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर में रैखिक समीकरण उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम अगर आपको दो इक्वेशन दे दी गई हैं उसी से हमें ये बताना होगा कि ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी या ये पैरेलल होंगी या फिर ये संपाती यानी कोइंसिडेंट होंगी। दूसरी चीज़ ये पूछ सकते हैं कि इन्हीं दो रेखाओं से आपको बताना होगा कि इनके कितने हल होंगे, एक हल होगा या बहुत सारे हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये पूछ सकते हैं कि आपसे ये रेखाएं संगत होंगी या असंगत यानी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो इन्हीं दो रेखाओं से हमें ये तीन प्रकार के से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बताना कैसे है, हमें क्या करना होगा, इन जो लाइंस दी गई हैं इनके कोफिशेंट का रेशियो निकालना होगा और रेशियो में एक कंडीशन होगी, उन्हीं कंडीशंस को देखकर हमें बताना होगा कि ये पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट होंगी करेंगी या फिर संपाती होंगी यानी कोइंसिडेंट होगी। तो वो समझने से पहले हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे इक्वेशन को चेंज करते हैं और कैसे ए बी सी के मान ज्ञात करते हैं, तो वो सबसे पहले हम सीख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक कंडीशन होती है ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ए जीरो हो गया और बी जीरो हो गया तो x और y यहाँ पे बिल्कुल गायब हो जाएगा, केवल बचेगा c। तो हम ये नहीं शो कर पाएंगे कि ये टू वेरिएबल में इक्वेशन है, इसीलिए a जीरो नहीं हो सकता और b जीरो नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं इसको हम कैसे चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू में जीरो होता है तो उधर जीरो बनाने के लिए 8 को हमें इधर लाएंगे, तो 3x माइनस 4y और जब प्लस का 8 जब इधर आएगा तो माइनस का 8 इज इक्वल टू जीरो। अब इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन दिख रही होगी कि इक्वेशन जो है वो प्लस के फॉर्म में है, तो हमें प्लस के फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, 3x ये जो माइनस का 4 है ये जो b है उसको हम माइनस कर देंगे, लेकिन इक्वेशन जो हमें प्लस के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो माइनस का 4y और यहाँ पे प्लस माइनस का 8। अगर हम देखें तो उसी फॉर्म में फिर से चेंज होगा, प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। तो अब जो इक्वेशन है वो प्लस के फॉर्म में हो गई और ए बी से कि अगर हम से कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से ए क्या है हमारा 3 एंड बी क्या है हमारा माइनस का 4 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 8, यानी कि ए बी सी के मान आसानी से निकल आए और इक्वेशन भी हमारी प्लस के फॉर्म में हो गए। तो इस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी के मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको कंडीशन बताते हैं। पहली कंडीशन है ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अगर ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू का मान बराबर नहीं है तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद मतलब होता है एक दूसरे का ऐसे काटना, क्रॉस करेंगे, यानी अगर रेखा ए बी ये है और सी डी ये है तो ये एक दूसरे को बस क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और इसका केवल एक ही हल होगा जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। अगर आपको ग्राफ पे दिखाएंगे तो जहाँ पे एक मिलती है लाइन वही इसका केवल एक सोल्यूशन होगा, वो जो पॉइंट आएगा वही इन दोनों जो रेखाओं का सोल्यूशन होगा। अब बात करते हैं ये संगत होंगी असंगत। संगत होने के लिए एक चीज़ जरूरी होती है कि मिनिमम वन सोल्यूशन, यानी कि मिनिमम वन सोल्यूशन जरूर होना चाहिए, यानी कि एक से कम नहीं एक से ज़्यादा हो सकते कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक भी सोल्यूशन नहीं है तो वो क्या हो जाएंगी असंगत, तो क्या हो जाएंगी असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने के लिए मिनिमम वन सोल्यूशन होना अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इससे वन सोल्यूशन निकल रहा है तो ये लाइन जो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, संगत रेखाएँ होंगी। बट कंडीशन क्या होगी, अगर मान लीजिए हमें दो लाइन से ये दे दी गई हैं x माइनस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे ax, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, इसको 1 इंटू एक्स मान सकते हैं, माइनस को यहाँ पे चेंज कर लेंगे, माइनस का 2 ब्रैकेट में कर लेंगे y और c की जगह कुछ नहीं तो आप मान लेंगे 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर 3x प्लस 4y और यहाँ पे प्लस का 20 इधर आएगा माइनस का 20, लेकिन इसको लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट में माइनस का 20। अब इसको यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी a2x क्योंकि आप a1 लिख सकते हैं तो यहाँ पे b2 लिखेंगे, क्योंकि अगर सेम लिखेंगे तो
राइट नहीं होगा, यानी सही नहीं होगा, ठीक है। सी टी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से ए वन अपॉन ए टू निकालेंगे। यहाँ से ए वन क्या है हमारा वन और ए टू क्या है थ्री, तो यहाँ से ए वन अपॉन ए टू कितना आ गया वन अपॉन थ्री। फिर यहाँ से बी वन अपॉन बी टू, बी वन अपॉन बी टू कितना आ गया, बी वन क्या है यहाँ पे माइनस का टू और बी टू क्या है यहाँ से फोर, माइनस टू अपॉन फोर कैंसिल होता है तो हम कैंसिल करें, जितना मिनिमम लिख सकते हैं उतना लिखें, टू से करेंगे माइनस का वन या टू से करेंगे तो वन अपॉन टू, तो माइनस का वन अपॉन टू, तो ये बी वन अपॉन बी टू आ गया, ये आ गया हमारा ए वन अपॉन ए टू। अब यहाँ से सी वन अपॉन सी टू निकालेंगे। सी वन कितना हमारा जीरो, यहाँ सी वन क्या है हमारा जीरो अपॉन सी टू कितना है माइनस का ट्वेंटी, तो ये आ गया। क्या ये आपस में मैच कर रहे हैं, क्या कोई किसी के इक्वल है, नहीं, यानी कि ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो ये कंडीशन यहाँ से क्या हो गई हमें मिल गई, यानी कि ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, वो होंगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा, यानी अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिच्छेदी होंगी संपाती होंगी समांतर होंगी, तो यहाँ से हम बता सकते हैं हाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दूसरा हम ये बता सकते हैं, अगर पूछता है कितने हल होंगे, एक हल होगा अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, तो क्या होगा सिर्फ एक हल होंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो संगत होंगी या असंगत होंगी, तो ये क्या होंगी संगत। तो सिर्फ इसी से बस हम इनके रेशियोज निकालेंगे और देखेंगे किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी के बेस पे हम इन तीनों के आंसर दे लेंगे। तो अगर आपको कोई भी दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे चेंज करिए, फिर वहाँ से ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू निकालिए, फिर वो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू को अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए, फिर आप देखिए कि वो किस कंडीशन को फॉलो करते हैं। ऐसा कि हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, फिर है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। अब फिर से यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना तो गलती नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे माइनस का नाइन था इसको, लेकिन हमें जो इक्वेशन होती है वो प्लस में होती है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में सी को हम माइनस कर देंगे, लेकिन इक्वेशन हमारी क्या है देखो यहाँ पे प्लस में है। यहाँ से 4x प्लस 6y प्लस ब्रैकेट में माइनस का 18 लिख देंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन को प्लस में दिखाना है। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अब हम ए वन अपॉन ए टू निकालते हैं, तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू, ए वन कितना है हमारे एक x का देखो कोफिशियंट है, तो यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है 2, ए टू क्या है यहाँ पे 4, 2 अपॉन 4। अब क्या ऐसे हम छोड़ देंगे, नहीं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने हैं। यहाँ से करेंगे तो आएगा हमारा 1 अपॉन 2, 2 से 1 और 2 से यहाँ पे 2, तो आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2। फिर यहाँ से b1 अपॉन b2 निकालते हैं, b1 अपॉन b2 कितना है 3, यहाँ से b1 हमारा है 3 और b2 कितना है हमारा 6, 3 अपॉन 6 कैसे छोड़ देंगे, नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2। फिर हम यहाँ से c1 अपॉन c2 निकालते हैं, c1 कितना है हमारा माइनस का 9, तो माइनस का 9 लिखते हैं, फिर यहाँ पे माइनस का 18, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 से 18 भी, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो तीनों के अगर हम यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं चेंज करते तो हमें देखते 2 अपॉन 4, यहाँ से 3 अपॉन 16, 9 अपॉन 18, देख के कह देते कि ये तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन जब मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो हमें क्या दिखा, तीनों के जो वैल्यूज़ आए हैं वो 1 अपॉन 2 आए, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये आ गया। अब हमें देख के बताना है कि ये किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन जो हमें बताई गई है उस कंडीशन को फॉलो करते हैं, और जो लाइंस इस कंडीशन को फॉलो करती वो क्या होती हैं, संपाती रेखा यानी कोइंसिडेंट होती हैं। दूसरा हम क्या बता सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा है कि कितने सोल्यूशन होंगे तो मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है, और वो संपाती मतलब होता है एक लाइन अगर खींची गई यहाँ से यहाँ तक तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींची गई तो वो क्या हो जाएंगी संपाती, यानी कि एक के ऊपर दूसरी, ठीक है, तो ये हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस। और तीसरा हम बता सकते हैं संगत होंगी या असंगत, जब एक के ऊपर दूसरी होंगी तो कई सारे हल्स होंगे, ठीक, यानी कई सारे क्या होंगे सॉल्यूशंस होंगे, तो ये भी क्या होंगे संगत, क्योंकि संगत की जो है डेफिनेशन होती है वो होती है कि मिनिमम वन सॉल्यूशन होना है, एक से अधिक होगी तभी तो संगत होगा, लेकिन अगर कोई भी हल नहीं है तो वो संगत नहीं होंगे, क्या होंगे असंगत। अब क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड देखना चाहे तो थर्ड भी इसी कंडीशन को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है
एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से इसको एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस टू वाई माइनस का फोर हम लिख नहीं सकते क्योंकि इक्वेशन क्या होती है वो प्लस में होती है, इज इक्वल टू जीरो। फिर ये इसको भी टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस का ट्वेल्व है तो इसको प्लस ब्रैकेट में माइनस का ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए वन अपॉन ए टू निकाल देते हैं, ए वन अपॉन ए टू वन और यहाँ से ए टू क्या है टू, वन अपॉन टू इससे सिंपलेस हो नहीं सकता यहीं पे छोड़ देते हैं। बी वन अपॉन बी टू इसको भी निकालते हैं, बी वन कितना है टू, बी टू कितना है फोर, सिंपलेस हो जाएगा तो टू वन जै टू, टू टू जै फोर, तो यानी कि वन अपॉन टू इसका भी आ गया। फिर सी वन अपॉन सी टू निकालते हैं, सी वन अपॉन सी टू माइनस का फोर अपॉन माइनस का ट्वेल्व, माइनस माइनस कैंसिल, फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो वन अपॉन थ्री। अब देखते हैं अब किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देखो यानी ए वन अपॉन ए टू जो है यानी कि ये जो मान है ये इसके बराबर है, यानी कि ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के तो बराबर है बट ये दोनों मान सी वन अपॉन सी टू के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू, ये ऐसे बर इक्वल उसके बाद क्रॉस कर दो यानी कि ये इक्वल नहीं है वन अपॉन थ्री, यानी कि ये दो वैल्यूज़ हैं ये सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं है। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये थर्ड कंडीशन जो हमें बताएगी उसको फॉलो कर रहा है। और इस कंडीशन को देख के हम कौन कौन सी चीज़ें बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस होंगी तभी ये कंडीशन होगी, दूसरी चीज़ बता सकते हैं इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होगी क्योंकि ये कहीं पर मीट नहीं करेंगे, ये कहीं पर भी आपको मिलेंगे नहीं, तो इसे ये इसी तरह सीधे चलती है रेल की पटरी के जैसे, ठीक है। और तीसरी चीज़ आप बता सकते हैं असंगत होंगी क्योंकि अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो वो क्या होती हैं, असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो बस इन्हीं तीन यानी कि उनके रेशियोज को ही देखकर हम तीन क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हैं और इसका लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन आप में आता भी है।